मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडी गंगा ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा बच्चों, चेंज इन हाउसिंग मीन्स आवास में परिवर्तन, पेज नंबर 76 है। लास्ट टाइम बच्चों हमने इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग्स किए थे। लेट मी स्टार्ट द बुक रीडिंग। ओके, स्टार्ट नाउ। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर ऑल ह्यूमंस। भोजन, कपड़े एंड और आवास जो है सभी मनुष्य के लिए एक बहुत ही क्या है, आवश्यक है या फिर मूलभूत आवश्यकता होती हैं। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें जो हैं मूलभूत आवश्यकता होती है हर मनुष्य के लिए। अर्ली मैन लिव इन केव्स एंड ट्री टॉप्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड शेल्टर। पहले के जो मनुष्य होते थे वो गुफा में रहते थे। क्यों रहते थे? बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड शेल्टर, कि घर कैसे बनाया जाता है वो बिल्कुल नहीं जानते थे, कि पहले के समय में घर कैसे बनाया जाता है। इसलिए वो कहाँ पे रहते थे? ट्री टॉप्स पे या फिर केव्स में। नेक्स्ट है, ग्रेजुअली ही लर्न टू मेक ब्लॉक्स विद क्ले। धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी से ईंटें बनाना सीखा। ड्राई देम इन सन और सूर्य में सुखाना सीखा। एंड मेड शेल्टर बाय पेलिंग देम। और उसके बाद उन्होंने पिलर्स बनाना, और उसके बाद ऑन ओवर द अदर्स, और उसके बाद जो घास फूस की जो लकड़ी वगैरह होती है ना, जो हम हट के ऊपर रखते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखना सीखा। इन्वेंशन ऑफ स्टोन्स, और धीरे धीरे जब इन्वेंशन हुआ स्टोन का, मीन्स पत्थर का, टूल्स एंड देन मेटेलिक टूल्स हेल्प अर्ली मैन टू बिल्ड बेटर हाउसेस। और धीरे धीरे इन सभी चीज़ों ने उनकी हेल्प की, मनुष्य की हेल्प की, कि कैसे जो है नए घरों का निर्माण किया जाता है। नाउ हाउसेज हैव ऑल द लग्जरीज। आज के जो घर होते हैं उनमें सारी आरामदायक सुविधाएं होती हैं। लग्जरीज मीन्स आरामदायक सुविधाएं। डिफरेंट रूम्स, अलग अलग रूम्स होते हैं, एंड प्रोवाइड मोर कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी। और वो प्रोवाइड कराते हैं, हमें प्रदान करते हैं क्या, कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी। इट टेक्स मैनी स्किल्स पीपल टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। और उसमें बहुत सारे कौशलों का निर्माण होता है, कि कौन कौन से कौशल से घरों का निर्माण किया जाता है। सबकी अपनी अपनी क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, हाउसेज इन प्लेसेज। घर प्लेसेज में हाउसेज जो हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, हाउसेज इन प्लेसेज, पीपल लिव इन विलेजेस, बिल्ड कच्चा हाउसेज। जो लोग विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, लिव इन, सॉरी, पीपल लिव इन विलेजेस, बिल्ड कच्चा हाउसेस टू लिव इन। जो लोग गांवों में रहते हैं वो क्या करते हैं, कच्चा हाउसेस बनाते हैं। पहले के समय में बनाते थे ना, लेकिन आज के समय में सब परमानेंट हाउस बनाते हैं। दे यूज मड, बम्बू, स्ट्रॉ, ड्राई लेस एंड काउ डंग टू बिल्ड द हाउस। वो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं किसको, घर को बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं? मड है, बम्बू है, घास फूस है, मिट्टी है, स्ट्रॉ है, ड्राई लीव्स है, काउडंग है, ये सारी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। किसमें यूज़ करते हैं? कच्चा हाउसेस बनाने के लिए। दीज रॉ मटेरियल्स आर वेर इजीली अवेलेबल इन द विलेजेस। और ये जो सारा रॉ मटेरियल होता है ना, वो ईजिली अवेलेबल होता है कहाँ पे, गाँवों में। They can be obtained from their surroundings and at a very low cost. और ये सारी चीज़ें उन्हें अपने आसपास में प्राप्त हो जाती हैं, और बहुत ही कम कीमत पर, at very low cost, ठीक है, बहुत ही कम कीमत पर। How in places are generally simple and single storied. अब जो गाँवों में जो घर होते हैं बहुत ही सिंपल और सिंगल ही होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आराम से रह सके। बट द रिचर पीपल इन विलेजेस, लेकिन जब गाँव में जो रिचर पीपल होते हैं, यानी कि धनी जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इन विलेजेस बिगर हाउसेस, सॉरी सिंगल स्टोर, बट द रिचर पीपल इन विलेजेस लिव इन बिगर हाउसेस कॉल्ड हवेलीज। लेकिन जो लोग जो हैं गाँव में रहते हैं, और मीन्स धनी लोग जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हवेलीज में रहते हैं।
किस में रहते हैं, हवेलीज में। जिनके पास पैसा नहीं होता वो कच्चा हाउसेस में रहते हैं, और जिनके पास पैसा होता है या फिर धनी व्यक्ति जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, पक्का हाउसेस में रहते हैं या फिर हवेलीज में रहते हैं। उनको क्या कहते हैं, जिन घरों में वो लोग रहते हैं हवेलीज कहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड, और दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। ये सारे क्या होते हैं, पक्के घर होते हैं, मजबूत घर होते हैं। किससे बनता है, स्टोन ब्रिक्स एंड वुड, पत्थर ईंटें या फिर लकड़ियों से बनाए जाते हैं। दे आर स्पेशियस हाउसेज विद मैनी लार्ज रूम्स, और ये बहुत ही महंगे होते हैं और बहुत बड़े बड़े इनके रूम्स होते हैं। देयर इज़ अ कॉर्ट यार्ड ऑल्सो सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द हाउस, और आंगन भी होता है, बोलते हैं ना चौक जिसको हम बोलते हैं, तो एक कॉर्ट यार्ड भी होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, सेंटर घरों के बीच में, जैसे रूम्स होते हैं वहाँ पे बीच में एक चौक होता है ना, तो उसको कॉर्ट यार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन नाउ सी सम पक्का हाउसेस ऑल्सो इन विलेजेस विद इलेक्ट्रिसिटी एंड टेप वाटर, और अब हम लोग क्या देखते हैं पक्का हाउसेस में, उन लोगों के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी होता है। देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन विलेजेस, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आजकल के समय में जो है, पहले के लोग जो है कच्चा हाउसेस में रहते थे, लेकिन वहाँ पे जो लोग पक्का हाउसेस में रहते हैं या फिर रिचर पीपल जो होते हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें गाँव में होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाउसेज इन सिटीज़। सिटीज़ में कैसे घर होते हैं, ए एज़ कम्पेयर टू विद द विलेजेस, अगर हम गाँव से कंपेयर करते हैं, मीन्स तुलना करते हैं, द पॉपुलेशन इन सिटीज़ इन मच हायर, जो पॉपुलेशन होती है सिटीज़ की, मीन्स शहरों की, वो बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू दिस फैक्टर्स, और इसी फैक्टर के दौरान देयर इज़ एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हाउसिंग टू लिव इन, और बढ़ती हुई जनसंख्या के दौरान वहाँ पे डिमांड हो जाती है ज़्यादा घरों की, कि लोग एक घर में कैसे रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे घरों की डिमांड्स होती हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ हाउसेस इन हाउसेस सीन इन द सिटीज़, और वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के घर देखे जाते हैं। दे आर मेड ऑफ बैग्ड ब्रिक्स आयरन स्टील सीमेंट टाइल्स एंड मार्बल्स, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे होम्स बनाने के लिए या हाउसेस बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद सीमेंट, वॉल्स को जो है सीमेंट से प्लास्टर्ड किया जाता है, जो कच्चा हाउसेस है वहाँ पे काउडंग वगैरह से, मिट्टी से, क्ले से मिला के उनको किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे किससे किया जाता है, सीमेंट से, ठीक है, प्लास्टर किया जाता है। दे आर पक्का हाउसेज, और ये कौन से हाउसेज होते हैं, पक्का हाउसेज होते हैं, सिंगल स्टोर्ड हाउसेज। नेक्स्ट हमारा है सिंगल स्टोर्ड हाउसेज। सिंगल स्टोर्ड हाउसेज आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये सिंगल स्टोर्ड हाउसेज कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, मीन्स वहाँ पे जो सिंगल फैमिली है वो ही रह सकती है, लेकिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, मीन्स मजबूत होते हैं। लेकिन ये ऐसे घर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। दे हैव अ स्मॉल वरांडा, और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा वरांडा होता है। कॉन्क्रीट रूफ आर फ्लैट बट एब्स्टर्स रूफ्स आर स्लैंटिंग। कॉन्क्रीट रूफ जो होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, लेकिन एब्स्टर्स रूफ्स आर स्लैंटिंग, मीन्स जो एब्स्टर रूफ होती है, जो नीचे की तरफ होती है ना, ऐसे तिरछी जो रूफ होती है वो कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है, मीन्स तिरछी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विलास। विलास आर वेरी बिग एंड स्पेशियस हाउसेज विद वन और मोर फ्लोर्स। विलास जो है बहुत ही मीन्स बड़ा होता है, और स्पेशियस हाउसेज होते हैं, मीन्स महंगे घर होते हैं थोड़े से, और फ्लोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस ग्राउंड सच हाउसेज, और यहाँ पे बहुत सारा आगे की साइड जो है, बहुत सारा जो स्पेस होता है वो होता है। देयर इज़ अ गैराज, और यहाँ पे एक गैराज होता है, सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, टेरेसेस होते हैं, बालकनीज होती हैं। सच हाउसेज आर एक्सपेंसिव, और ऐसे हाउसेज कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, रिच पीपल लिव इन देम, जो रिचर पीपल होते हैं ना, धनी व्यक्ति जो होते हैं वो इन घरों में रहते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है अपार्टमेंट. नेक्स्ट है अपार्टमेंट. ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड लार्ज पॉपुलेशन, जगह की कमी की वजह से और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से, बिल्ड्स विद मैनी स्टोरेज आर कंस्ट्रक्टेड, दे ऑब्टेन मैनी फ्लैट्स. ए फ्लैट इज एन इंडिविजुअल हाउस इन अ मल्टी स्टोरे अपार्टमेंट बिल्डिंग. मैनी पीपल इन लिव टुगेदर इन द अपार्टमेंट. क्या होता है कि पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, स्पेस की जो है कमी आ रही है. अब स्पेस की कमी आ रही है तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जाते हैं इस टाइप से. और जो हर एक फ्लैट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, मीन्स एक फैमिली रह सकती है या तो सिंगल या फिर जॉइंट फैमिली भी उसमें रह सकती है ना. और क्या होता है, मैनी पीपल लिव इन टुगेदर इन द अपार्टमेंट, बहुत सारे लोग जो है एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं. देयर इज़ अ कॉमन पार्क, वहाँ पे एक कॉमन पार्क होता है. स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है जहाँ पे वो लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जो है वो खरीद सकें. नेक्स्ट है पावर बैकअप एंड सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग. वहाँ पे पावर बैकअप भी होता है, मीन्स एक छोटा बिजली घर भी होता है. और नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड और एंड गेट के एंट्रेंस पे जो है एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है. ओके, थैंक यू बच्चों. इस चैप्टर को आपको रीड करना है अच्छे से, जो समझ में नहीं आए तो वो कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, है ना. ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे.